ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੋ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਕਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ तरह तरह के समय के उत्ते हरेक समय के उत्ते बर्बादी की राखी की है वो इस तरह के प्रकाश सिंह बादल ने जो तोता सिंह ने सप्रियां के विचों करप्शन की सप्रियां के विच करप्शन के नाल जिमीदार मारा गया जिमीदार के नाल आड़तिया मारा गया दुकानदार के मजदूर मारा गया प्रकाश सिंह बादल ने बर्बादी की राखी आपका हाथ रख के की उन्हें तोता सिंह आज नहीं आन दी ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੋਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैनू आम आदमी पार्टी ने इथों कैंडीडेट बना के उतारा है श्री मुक्तसर साहब को मैं श्री मुक्तसर साहब के दो बार म्यूनसिपल कमेटी का मैंबर रहा हूँ मेरा घर खालसा स्कूल रोड पे है आज की जी रैली है असि वोटा मंगने की बजाय थोनू इन्ना जरूर कहोंगे कि तुसी वीरो लेखा जोखा लाओ जी पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं जी पार्टी ने मैनू कैंडीडेट बनाया है पहला तुसी निगाह मारो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के विच की कारगुजारी की है कि उत्थों दे स्कूलों का सुधार किया है कि उत्थे करप्शन घटाई है कि उत्थे बिजली पानी के प्रबंध सही किए हैं तां तुसी वोटां दा फैसला लिया जी दूजे पासे अकाली दल की 9.5 साल की सरकार कांग्रेस की तो पता नहीं किन्ने किन्ने साल कांग्रेस राज करगी सेंटर के पंजाब के कांग्रेस की सरकार का लेखा जोखा लाओ पिछले 9.5 साल इन्होंने साडे लई कीता लगातार सरकार बना के कि साडे बच्चों नशे के लाने तो बिना इन्होंने कोई कारोबार किया है नहीं गिरो ये मैं भी कह रहा है तुम भी कह रहे हो पर फिर भी थोड़े को मौका है तुम सोच के वेखो घरे जाके सोचा जे कि 9.5 साल पहला ये सरकार सुती पई थी अज साडे हरेक पिंड दे विच नालियां पट्टियां गई गलियां पट्टियां गई हरेक पिंड दे विच विकास के नारे ला के थोड़िया पहियां दे लालच थानू दिते जा रहे हैं ईटां सताईया जा रही हैं पर की वीरो ये सरकार की अखां अगे खुलियां 9.5 साल पहला की ये सरकार नूं इह पता नहीं सी कि ये बंदे आपके घरां नूं जांदे हन इन्हां दे घरां दे राह कच्चे हन कि ये 9.5 साल इन्हां नूं इह पता नहीं सी कि इन्हां दीआं नालियां जिहड़ियां पिंड दे विच चिपड़ करदियां हन ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀਰੋ ਬੇਵਕੂਫੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ
कि ऐसी राह के वोटा पाने किस राह से तुरना है, किस राह से कि पार्टी साढ़े बच्चों का भेस बना सकती है, कि पार्टी साढ़े बच्चों का इजारा कर रही है। ये सारिया गलों सोच के वोटा के फैसले लिया जी। जे अज असी इस गल के लहजे वोटा पा गए कि इन्हों को देखो गड्डिया बड़िया व्डिया, इन्हों के कारोबार बड़े व्डे हैं, नहीं मिलो ये कोई वोट पाने का तरीका नहीं। मैं अक्सर बोलदा पिंडा के बोलदा भी मेरे साथी ये गल क्या करते हैं कि ग्राम साहब तुम वोटा मांगने की बजाय समाज भलाई के कामों में ज्यादा पै जाते हो। मेरी आप की सोच है कि समाज भलाई के नाल जे वोट पाई जाऊगी तो वोट सही थान से पाऊगी, पा दी किसी को भी पवे। जो आप इस गल की दुहाई दें कि इस को आ कुछ है, इस को आ कुछ है, इस बंदे की तुलना ना करा करो भीरो। समाज के सियासत किसी भी पार्टी के सुधार करने लिए इंसान की तुलना वो असूलों होनी चाहिए है। मैं इतने कोई बहुत चंगा भाषण देगा, मैं बहुत चंगी गल करदा उन्होंने सच ना मनो, तुम घर जाके लेखा जोखा लाओ कि जोड़ा ये बंदा सी बोल रहा है कि पिछले 10 साल इस बंदे ने की किया है, जाए जो तो जवान होया इस बंदे ने जिस पार्टी के रहा है जिस अहदे से रहा है उसने की दरिया कारगुजारी सी उस गल को लेकर वोटा पाया जी। वोटा का अधिकार सड़क के रस्ते रहो ज्यादा जरूरी है कि तुम आपका फैसला लैन लगे बहुत सारी सोच के बहुत सारी समझ के पाया जी। इंसानियत की तुलना पैसे की बजाय असूलों हो लग पे तो सुधार होना लाजमी है, हर बंदे का सुधार हो जूगा। क्योंकि जेकर मैं वड्डी गड्डी से जाता हाँ मेरे बराबर कोई रक्षा वाला चंगे असूलों वाला जाता है तो अपना फर्ज बनता है कि चंगे असूलों वाले की कदर करिए। ये कदर ही समाज के लिए जरूरी बन चुकी है। मैं इतों तक भी कह सकता कि अज अकाली दल या कांग्रेस आम आदमी पार्टी में तो ए सवा साल होया सरकार बनाई हुई दिल्ली के तीन सालों तो लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी ने सवा साल पहला या डेढ़ साल पहला दिल्ली के सरकार बनाई। अपने समाज के सरपंच तो लैके मंत्रियों तक इस गल का चर्चा होंगे कि किसी का रौला पै गया, किसी भरा भैन का रौला पै गया, किसी दो भरावान का रौला पै गया या किसी दो दोस्तों का रौला पै गया, वो पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत फैसला की होंगे मेरे अंदर मंत्री MLA सरपंच ये सोच के फैसला कर जाता है कि तू मैं की देगा मैं तेरे हक च बोल दू। भीरो इतों वड्डी गिरावट कदों आ सकती है, अच्छ सिरे से गिरावट आ चुकी है। जेडे लोग ये फैसला सुनते हैं कि मैं इस चीज़ का फैसला तो करूँगा तू मैं कार ला के देगा मैं तेरे हक में बोल दूंगा, मैं इस चीज़ का फैसला तो करूँगा तू मैं ये हिस्सा देगा तो मैं तेरे हक। ये भीरो पंचायत नहीं रह गया, ये असूली सरपंच या MLA या मंत्रियों के अहदे नहीं है, ये अदालत के अहदे हो चुके हैं। पंचायत उदों होया कर सन जो पिंड दे विच एक बंदा खड़ा होकर कहता सी कि साढ़े पिंड के पांच बहुतवार बंदे बैठे हैं, फिर वो किसी मुल वेच नहीं सकते। आप दोबारा तो पंजाब को उस तरह का सिरजिए जो आज तो 40 साल या 50 साल पहले अपने बजुर्गों ने सिरजिया होया सी, जिसनों आप भाईचारे का पंजाब कह सकते हैं। अज इस गल कहिए कि असी इंसानियत की कदर कर लगीए, पैसे की कदर में छड़ दिए, इंसानियत के असूलों की कदर करिए। सारिया गल्लां तुसी वोटां पाउण लग्या सोच के फैसले कर रहे हैं। असी ये जरूर कहने कि सानू वोट पा लो पर असी थोड़े ते थोपते नहीं विरो, कोई अज इस गल का निर्णय ना लो, निर्णय लियाए घर जाके कि अकाली दल ने 9.5 साल की किया, आम आदमी पार्टी ने 1.5 साल के राजस्थान के सरकार चल रही है उसने जो भी चल रही है उसने की किया, हिमाचल के जी पार्टी की सरकार चल रही है उसने की किया। जिन्ना चर तुम इस गल की सोच तो बिना वोटा पाते रहोगे उन्ना चर भी सुधार नहीं होना, लाना के विचार के कोई सुधार की समर्था नहीं है। मैं सारू एक हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि मैं नहीं कहता
कि मैं ही इतने दुध धोता आ गया। मेरे नाल कोई कांग्रेस का आंदा है वो भी बहुत चंगा आ सकता है, कोई अकालिया का आंदा वो भी, अकाली भी किसी वजिया तो वजिया बंदे को टिकट दे सकते। मैं किसी पार्टी को यह नहीं कहता कि वो सारे माड़े होंगे, उन्होंने कोई चंगा सज्जन भी आ सकता है, पर यह करना दोवों का निर्णय जरूर लिया जाए कि किस पार्टी ने कटिया है। पहला नंबर पार्टी का है कि उस पार्टी ने जिस स्टेट के राज कर रही है कि उत्थे की कर रही है, करप्शन कर रही है, लोगों को ठगिया मार रही है, कि लोगों की भलाई के काम कर रही है। दूजा नंबर आने वाले कैंडीडेटा के विचार करके वोटों का फैसला लिया जी, वोट का फैसला लैन लग्या इन्ना सोच समझ के लवेंगे तो एक ताकत अपने हाथ में है। मैं थोड़ा एक उदाहरण दे के जाऊंगा, फर्ज करो अज का अठ वेख के असं महसूस करते हैं कि अच आम आदमी पार्टी लोगों ने नेरी के रूप में तब्दील कर दिता है, आम आदमी पार्टी की नेरी है। फर्ज करो तुम मैं अब इतों एम एल ए बना के मुक्तसर को भेज दिंदे हो, मैं बंद तो बाद करोड़ों रुपये की लुटपट करके कई थावे ठगिया मार के कई भरावान के परचे करा के दोबारा थोड़े जरा जनता का दरबार हाजिर होना कि भुलेखे रात तुम भीरो दोबारा मैं वोटा पा दूंगा। इन्ना कुछ करने तो बाद जिन्हें सज्जन सुनते हैं जिन्हें भाव लड़कियों आपके बच्चों कहे कि यह बंदा इन ठगिया मारिया सी इन्ने धोखे किए जी दोबारा एम एल ए बन गया, वह मतलब की होगा कि इस बंदे के बगैर लोगों ने करप्शन से मोहर ला दी कि असी करप्शन के हक में हाँ। विरोध जेकर करप्शन करने वाला मैं होव पाँगी मैं जबानत जब्त कर करा के तुम भेज दें हो कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चे हा तो थोनू देखने मिलेगा कि बच्चे इस काम बाप उन्होंने आख्या करे कि पुत ठगी ना मार ली, जनता ना धोखा ना कर ली, जनता बड़ी बुरी करती है, इस बंदे ने मारी सी तिना पीढ़ियों को रोकना पड़ता। जिन्ना चेर इस तरह का समाज आप नहीं सिर चले उन्ना चेर विरो ये लारे लाते रहने आप लारे लाई जाते रहने के लारा तो बचने लिए आप चंगे समाज की सिरजना करिए। मैं एक दो गल होर करूँगा थोड़े नाल विरो, बड़े दुख की गल है असी थोड़े नाल वादा करके जाने हैं, आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप खड़ी है, केजरीवाल साहब को मंग भी रखांगे, हरेक तरह का मैनीफेस्ट भी जारी हो रहे हैं, उसके विच भी असी थोड़े नाल वादे करते पे हैं। विरो जेकर पंजाब के विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है जिहड़ी ट्रक यूनियन की प्रधानगी है वह 10 साल पुराने ट्रक ऑपरेटर को होगी ना कि आम जनता को होगी, क्योंकि मुंडा की है कि मलोट तो जाके कोई चहेता ट्रक यूनियन का प्रधान बनाता विरो पता नहीं ट्रक वाले के दुख का, उन्होंने पता नहीं टायर किमें बनया जाता, टायर कितने पाड़ता किन्ने खर्चे होंगे। इवें ही मंडी है मेरे मंडी के व्यापारी भरा बैठे जिमें इन्हों के प्रधान बनाए जाते हैं कि वह प्रधान निरोल फैसला कर सकेंगे, जो वोटा पैदा उदो सियासी पार्टियों का दबाव होंगे कि नहीं जी वोटा नहीं पड़िया फलाने मुद्दे को प्रधान करा दो, ये विरोध ये कल्चर असं बंद करा। ट्रेड यूनियन का प्रधान है जोड़ा जिन्हों दुकानदार के दुखों का पता है, धानका यूनियन का प्रधान है जिन्हों जिन्हों पता है कि पखा किमें खराब होंगे कितों चलता है वो होया करूगा। विरोध ये नहीं कि जोड़ा एम एल ए की हाजरी भरूगा या जोड़ा जथेदार की हाजरी भरूगा प्रधान होगा प्रधान नहीं होगा। विरोध ये थोड़े नाल वादा है साडा कि इस तरह के प्रधान नहीं होंगे कि जोड़े असी थानू थोपांगे, ये साड़ी पहली मंग होगी पार्टी के मैनीफेस्टो के बच्चे आऊगा कि जिस किते नाल जुड़ा है इंसान है उस किते का ख्याल रखते हुए जो उस किते के विच 10 सालों तो बनता आ रहा है चलता आ रहा है उसनु प्रधान बनाया जाऊगा। अज जिहड़ा ट्रक यूनियन के नाल होया है इहदी वजह इको ही है कि ट्रक यूनियन का प्रधान रोजी बरकंदी सी, रोजी बरकंदी के हुक्म के उत्ते वह गरीब ट्रक वाले जिन्होंने सारा दिन भाड़ा ढो के रोटी खाली हुई है अच यूनियन का सारा लेखा जोखा लेके नारायणगढ़ पैलेस में पहुंचे हैं। सजा की है कि ये बंदे आम आदमी पार्टी की रैली के बच्चे ना जा सकन, भगवंत मान जी की रैली के बच्चे ना जा सकन। विरोध इंकलाब।
मेरा नहीं ख्याल के पवन बादल साहब हो पवन सुखबीर बादल हो सुखबीर बादल ने भी आज इतने मीटिंग रखी हुई है नारायणगढ़ पैलेस में सुखबीर आ रहे हैं बड़े बादल साहब इतने आ रहे हैं मलोट के किसी पिंड संध्या दर्शन कर रहे हैं मैं उन्होंने दावे कह सकता है आवाज तो उतो नहीं पहुंच सकी पर उन्होंने कोई ना कोई सज्जन उन्होंने दर्शन वाला भी खड़ा होगा वो आज इतने मुक्तसर साहब की धरती से आके देख लें जे उन्होंने संगत दर्शन दे या उन्होंने जोड़ा उन्होंने नारायणगढ़ पैलेस के रखी हुई रैली है इतु चौथा हिस्सा भी पाते हो मैं सियासत छा दूंगा विरोध जे इसका चौथा दर्शन हो गया है लोगों को इकट्ठे करके लोगों को भा के लारे ला के इकट्ठे कर लेना ही कोई संगत दर्शन का नाम नहीं दिता जाता वीरो संगत दर्शन वालों मैं एक होर तुम गल दसदा जो थोड़े बेईमानी नहीं थोड़े ठगी नहीं तो थोनों सिक्योरिटी गार्डा की लड़ नहीं पैंती भगवंत मान जी कहते होंगे भवन की पूरी वाले मोड़ से खड़ के देख लें कोई खड़ दिता उन्होंने मैं अच भी किताबी कहना मैनू किसी ने सुबह 7 बजे या रात में 8 बजे कार में देखा मैं कला चाहता हाँ जी मेरे साफा बना हो पिंड जाता खेत में जाता हाँ मेरे नाल कोई बंदा नहीं होंगे भीरो मेरे कोई हथियार नहीं होंगे क्योंकि हथियार रखने की लड़ उन्होंने पैंती है जे किसी ना तुसी गलत व्यवहार करोगे गलत ठगिया मारोगे असी इस किस्म की सियासत को नकारना है और मैं सारे ही जिन्हें आए हुए भरा हैं उन्होंने सिर नवा के जिन्हें पिंड आए मंडी के आए सारे शहर के आए होर इलाकों आए सारे भावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने अज इस रैली को कामयाब बना के बहुत ही वड्डा उपकार किया क्योंकि ये जिहड़ियां रैलियां होंदियां संगत के नाल ही कामयाब होंदियां जे असीं कहीए कि गड्डियां घल के या किसी नूं असीं लारा ला के सद लवेंगे वो कामयाब नहीं होंगे अच्छे पैसे लारा न कामयाब होंगे तो इन्ना कट्ठ अच्छ नारायणगढ़ पैलेस के होना भीर इतने नहीं होंगे ये उन्होंने वीर का कट्ठ है ये उन्होंने वीर का कट्ठ है जेड़े दिलों पंजाब के दुख को लेके तुरे फिरते हैं दुख के नाल तुरे फिरते हैं कि पंजाब अज उस पंजाब को दोबारा पंजाब किवें बनाइए जिहड़ा कैलीफोर्निया बन गया जिहड़ा कनेडा बन गया उस नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी कोशिश विच जंदा है ते हुण बादल साहब दस दिन कि उह कैलीफोर्निया नूं पंजाब किवें बना के देणगे पंजाब बनाउण लई मेरा ख्याल है 5 साल बहुत वधिया प्रशासक बहुत वधिया राजनीति आऊगी तो वो भी 5 सालों के नहीं बना सकती जिन्ना वो पिछे ले गए हैं उन्ना अगे लगान दी गया 10 साल की चंगी सरकार की लोड़ है जो केजरीवाल तेरी सोच दे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद विरो नाल ही मैं साडे विच बैठे प्रेस की सारी टीम है तो सारे मेरे भरा ही कोई वड्डा है कोई छोटा है सारा का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हाँ सिर नवा के जिन्होंने साड़ी बेनती प्रवान करते हुए अज इतने आके साडा साथ दिता मैं बिटा जी कहीं देख रहा क्योंकि प्रभे के राजनीति करद्या होप्पा भी पहला होंदा है प्रभे के कोई किंतू फ्रंती नहीं होंगे प्रेस वाले ने साड़ी बेनती प्रवान की प्रेस वाले भरा इतने आए इन्हों का सर नवा के बेनती करते हैं सारे भरावान फतेह अर्ज करदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जगदीप सिंह का कावड़ जिंदाबाद जगदीप सिंह का कावड़ जिंदाबाद वो दोस्तों बजिंदर सिंह धारीवाल आप सब दे रूबरू होंगे धारीवाल साहब बड़े लंबे समय तो
अपने कीमती समय के समा कढ के बादल भजाओ पंजाब बचाओ इस रैली के पहुंचे हुए बहुत ही सत्कारयोग बजुर्गो नौजवान वीरों मेरी भैनों और मीडिया एक बेनती है जरूरी जी असी थोड़े तो हाथ जोड़ के इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि साढ़े अज के हरमन प्यारे ते महबूब नेता भगवंत मान जी वो बीमार हो गए हॉस्पिटल के एडमिट है जी काफ़ी सेहत खराब हो गई उन्हों की और रैली के नहीं पहुँच रहे और सारे वीरों को स्टेज पर बैठी हुई